एक बार नारद मुनि गंगा किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। भृगु ऋषि भी इसी यज्ञ में शामिल थे। उन्हें देख करके नारद ने पूछा कि आप यज्ञ कर तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि इस यज्ञ की बलि किसको मिलेगी, ब्रह्मा को, विष्णु को या भगवान शिव को। काफी डिबेट के बाद भी जब इस सवाल का हल नहीं निकला तो भृगु ऋषि ने सोचा कि त्रिदेवों के पास जाकर के ही सवाल का हल मिलेगा। तो पहले वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर महादेव के पास गए, लेकिन दोनों ही ध्यान में मग्न थे। उन्हें भृगु ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। भृगु ऋषि, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, इस बात से अपमानित महसूस करके वहां से लौट आए। अंत में वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां जाके देखते हैं कि भगवान तो गहरी निद्रा में है। ये देखा और भृगु ऋषि को इतनी तेज क्रोध आया कि उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। विष्णु जी की नींद खुली, उन्होंने भृगु ऋषि की ओर देखा और बोले, महर्षि आपको चोट तो नहीं लगी। ये सुनते ही भृगु ऋषि का गुस्सा शांत हो गया। प्रभु की ये कैसी विनम्रता, ये कैसी करुणा। और उसी समय उन्होंने तय किया कि यज्ञ की बलि तो भगवान विष्णु को ही मिलनी चाहिए। कहानी में यह भी है कि इस घटना के बाद लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई थी अपने पति का अपमान देख करके, और उसके बाद वो धरती पर चली गई। भगवान उन्हें ढूंढते हुए धरती पर आए और एक पहाड़ी को उन्होंने अपना निवास बना लिया। लिहाजा इस पहाड़ी में आगे जाकर के भगवान विष्णु का मंदिर बना, जिसे हम श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। लगभग 1700 साल पहले बना ये मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो जाना जाता है हर साल मिलने वाले करोड़ों के चढ़ावे के लिए। माना जाता है कि इस मंदिर के पास ONGC और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा संपत्ति है। 14,000 लोग यहाँ काम करते हैं और हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या कहती हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ, और इस मंदिर में लोग अपने बाल क्यों चढ़ाते हैं और अपनी धन संपदा क्यों चढ़ाते हैं, और कितनी धन संपदा तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के नाम पर है, आज के एपिसोड में जानेंगे हम इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। शुरुआत ज्योग्राफी से करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक हिल रेंज है, शेष चलम हिल्स, जो अपने लाल चंदन के लिए भी मशहूर है। इसी हिल रेंज का एक हिस्सा है जहां 7 पहाड़ियां एक नाग के 7 फनों की तरह दिखती हैं। ये 7 पहाड़ियां तिरुमला हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, और इन्हीं में से एक पहाड़ी पर बना है श्री वेंकटेश्वर मंदिर। श्री वेंकटेश्वर मंदिर 15 मंदिरों में से प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। हालांकि पिछले 1700 सालों में यहां कई और मंदिर भी बने हैं। अब इस मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प पौराणिक कहानियां। तिरुपति मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर और भगवान श्री वेंकटेश्वर का जिक्र कई पुराणों में है, जैसे ब्रह्म पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण। इनमें सबसे प्रचलित दो कहानियां हैं, दो कथाएं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तीसरे नंबर पर आते हैं आदि वराह अवतार। इन्हीं वराह अवतार की एक कहानी श्री तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर से भी जुड़ी है। वराह अवतार की कहानी कुछ यूं है कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को जलमग्न करता है। धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं। उनके और हिरण्याक्ष के बीच एक भीषण युद्ध होता है और अंत में वराह भगवान हिरण्याक्ष को मार डालते हैं और अपने बड़े बड़े दांतों के बीच धरती को उठाकर पानी से बाहर ले आते हैं। यहां से आगे आती है तिरुपति मंदिर की कथा। धरती की रक्षा के बाद आदि वराह ब्रह्मा जी से एक इच्छा जाहिर करते हैं कि आगे वो पृथ्वी पर ही निवास करेंगे ताकि लोगों की रक्षा कर सकें। इसके बाद वराह भगवान अपने वाहन गरुड़ में बैठ करके क्रीड़ाचल नाम के पर्वत पर चले जाते हैं। कथा के अनुसार इस पर्वत में सोना और बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे और इसका आकार शेष नाग जैसा था। क्रीड़ाचल पर्वत पर भगवान वराह जब आराम कर रहे थे, देवता उनसे मिलने आए और दो निवेदन उन्होंने किए। पहला कि वे अपना उग्र रूप त्याग करके सहज मुद्रा में आ जाएं, और दूसरा धरती पर मानवता की रक्षा करें। इसके बाद आदि वराह ने 4 भुजाओं वाला एक आनंदमय मुख मुद्रा वाला एक रूप धारण किया। भगवान आदि वराह के इसी रूप को श्री वेंकटेश्वर अवतार कहा जाता है, और जिस पर्वत पर उनका मंदिर बना है उसे नाम मिला वेंकटाद्री। ये तिरुमला की 7 पहाड़ियों में से एक है। इस मंदिर में लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं, ये कहानी भी जान लीजिए। कहानी के अनुसार कलयुग की शुरुआत में भगवान विष्णु ने वेंकटाद्री पर्वत छोड़ करके बैकुंठ वापस जाने का निर्णय लिया। ये देख करके ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। वो चाहते थे कि भगवान कलयुग में भी धरती पर ही रहें, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से मदद मांगी, और नारद मुनि ने तब ये पूरा उपक्रम रचा जिसकी कहानी हमने आपको एकदम शुरू में बताई थी। ऋषि भृगु ने जब लात मारी तो भगवान विष्णु को तो गुस्सा नहीं आया,
लेकिन उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी नाराज होकर के धरती पर आ गई और उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी आ गए और उन्हें ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी पर जा पहुंचे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस पहाड़ी पर भगवान विष्णु रुके थे वे शेष चलम की पहाड़ियाँ थीं। यहाँ विष्णु जी ने थक करके एक इमली के पेड़ के नीचे शरण ली। जब उनकी ये हालत देख करके भगवान शिव और ब्रह्मा ने उनकी ये हालत देखी तो वो एक गाय और बछड़े का रूप धारण कर लिया उन्होंने और वो पहुँच गए चोल राजा के पास। अब रोज़ाना ये गाय जंगल में चरने जाती और अपने दूध को भगवान विष्णु के निवास स्थान पर गिरा देती। जब चोल राजा ने देखा कि गाय वापस आकर दूध नहीं देती है तो उन्होंने ग्वाले को फटकार लगाई। ग्वाले ने इन्वेस्टिगेट किया, ग्वाले ने देखा कि गाय जंगल में ही अपना दूध गिरा देती है तो उसने गाय को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने गाय की रक्षा की। गाय को बचाने के चक्कर में भगवान विष्णु को चोट भी लग गई। तब नीला नाम की एक देवी ने अपने बाल काट करके विष्णु जी की चोट पर बांध दिए। इस प्रसंग के चलते आज भी तिरुपति मंदिर में लोग अपने बाल दान करते हैं। मान्यता है कि अगर कोई भक्ति और प्रेम से अपने बाल दान करेगा तो उसके घर में पैसे और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। मान्यता है कि भगवान विष्णु वकुला देवी के घर श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बड़े होने पर पद्मावती से विवाह के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए उन्होंने कुबेर से लोन लिया, ऋण लिया। भगवान विष्णु की पहली पत्नी श्री लक्ष्मी को इस विवाह का पता चल गया। वे गईं पद्मावती के पास, उन्हें सारी कहानी बता दी कि भगवान विष्णु हैं ये और ये पहले से विवाहित हैं। दोनों देवियां गुस्से में श्रीनिवास के पास पहुंची। अब श्रीनिवास इस बात का क्या जवाब देते, इसलिए उन्होंने खुद को पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। कथा के अनुसार इसके बाद भगवान श्रीनिवास वेंकटाद्री की पहाड़ियों पर निवास करने लगे और तब से वहीं रहते हैं। मान्यता है कि चूंकि भगवान श्रीनिवास ने कुबेर से कर्ज लिया था इसलिए लोग श्रीनिवास जी को सोना आभूषण और पैसा दान करते हैं जिससे कुबेर के कर्ज को चुकाया जा सके। श्री तिरुपति मंदिर को लेकर के और भी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन माइथोलॉजी से इतर इस मंदिर के इतिहास को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तिरुमला पहाड़ियों का सबसे पुराना जिक्र 5वीं सदी की किताबों और शिलालेखों में मिलता है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का अस्तित्व 4थी शताब्दी में भी किसी रूप में था। इतिहास में इसका सबसे पहला जिक्र संगम एज के टेक्स्ट में आता है। आज से करीब 1700 साल पहले तमिलनाडु में कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट का दौर आया था, इसे संगम एज कहते हैं। इसके बाद पल्लव और चोल वंश के शिलालेखों में भी मंदिर का जिक्र है, जो इस मंदिर की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। कांचीपुरम आंध्र प्रदेश का वही शहर जहाँ की साड़ियाँ मशहूर हैं। 7वीं से 9वीं सदी के बीच इस इलाके में पल्लव वंश का राज था। शिलालेखों से पता चलता है कि इस दौर में मंदिर को जमीन और मुद्राओं का काफी दान मिला। पल्लव वंश के बाद इस इलाके में शासन किया चोल वंश ने। चोल वंश ने भी मंदिर परिसर को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उस वक्त के बने गोपुरम यानी मंदिर के द्वार आज भी बने हुए हैं। इसके अलावा चोल वंश के राज्यों ने भी काफी दान किया। जैसे 11वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा चोल प्रथम के शासनकाल में मंदिर को दिए गए जमीन और पैसे के दान का जिक्र शिलालेखों में मिलता है। चोल वंश पर 2022 में एक तमिल फिल्म आई थी पेनियर सेल्वन, जो हिंदी में भी उपलब्ध है। इसे तमिल सिनेमा के बड़े डायरेक्टर मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में चोल वंश के दौर की एक हल्की झलक मिलती है। मंदिर के इतिहास का गोल्डन पीरियड 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में के दौरान शुरू हुआ। विजयनगर के कई राज्यों ने अपने अपने कालखंड में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में संपत्ति दान की और वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर ब्यूटी को बढ़ाने में मदद की। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय ने खुद कई बार मंदिर का दौरा किया। उनके शासनकाल के शिलालेख उनके इस योगदानों का जिक्र करते हैं। इसमें कीमती आभूषण, सोना और भूमिदान शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, विजयनगर शासन के समय मंदिर न केवल एक पूजा स्थल था बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। मंदिर के इतिहास का एक दिलचस्प समय अंग्रेजी हुकूमत के समय में आया। अंग्रेज सीधे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर के रेवेन्यू और मैनेजमेंट के बाकी कामों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। अंग्रेजों ने मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को देखा तो वो काफी सोच में पड़ गए। इतना दान, 19वीं सदी तक मंदिर का प्रबंधन लोकल जमींदारों और कुछ अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किया जाता था। 1933 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक ट्रस्ट बनाया, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, TTD बोलते हैं। TTD के गठन ने मंदिर के प्रशासन में एक बड़ा बदलाव किया और उसे आधुनिक धार्मिक संस्था में बदल दिया जो लाखों तीर्थयात्रियों की सेवा करती है। कैसे?
जैसा हमने शुरू में बात की, तिरुपति मंदिर के पास भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा संपत्ति है। इसी पर द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी जिसके मुताबिक साल 2022 तक मंदिर के पास कुल 2,50,000 करोड़ की संपत्ति थी। संपत्ति में क्या क्या चीजें शामिल थी? 10 टन से ज्यादा सोना, 2.5 टन से ज्यादा के सोने के जेवरात, 16,000 करोड़ रुपए का बैंक डिपॉजिट और देश भर में करीब 1,000 प्रॉपर्टीज। 2022 के बाद भी करोड़ों लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है, स्वाभाविक है इस संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हो गई होगी। इस मंदिर की संपत्ति का अनुमान कुछ ऐसे लगाइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI भी एक वक्त इससे पैसे की मदद लेना चाहता था। 31 अगस्त 2013 को द इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, इसके मुताबिक RBI ने रुपए की गिरती वैल्यू को बचाने के लिए श्री वेंकटेश्वर मंदिर और शिरडी साई मंदिर जैसे मंदिरों का दरवाजा खटखटाया था। बातचीत चल रही थी कि अगर ये मंदिर के पास रखे गोल्ड ज्वेलरी को बुलियन में कन्वर्ट कर दें, इससे रुपए की गिरती वैल्यू को बचाने में आसानी होगी। बुलियन माने प्योर गोल्ड, इससे बैंक्स को फंड्स मैनेज करने में आसानी होती। हालांकि ये डील कभी पूरी नहीं हो पाई। सालाना तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड अपना बजट पेश करता है। साल 2024 के लिए बोर्ड ने 5100 करोड़ का बजट पेश किया है, जिससे मंदिर और उससे जुड़े वेंचर्स में काम करने वाले 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाएगी और मंदिर मैनेजमेंट और स्कूल कॉलेजों को चलाने की फंडिंग भी होगी। मौजूदा समय में मंदिर बोर्ड करीब 25 स्कूल और कॉलेज चलाता है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल से लेकर के अलग अलग स्किल्स के लिए कॉलेजेस हैं, जैसे आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, पॉलिटेक्निक, सोशल साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजेस में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना साल 1945 में तब हुई जब इसमें सिर्फ 80 बच्चे पढ़ते थे, आज इस कॉलेज में 2700 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये थी तिरुपति मंदिर की बात, उसकी कहानी। आज के आसान भाषा में इतना ही। ये स्क्रिप्ट लिखी, इसके लिए रिसर्च की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।